कच्ची दीवारों को पानी की लहर काट गई, पहली बारिश ने ही कहर बरपाया है। जी हाँ, आधा हिंदुस्तान इस वक्त जलव्यूह से जंग लड़ रहा है। सैलाब के सितम से देश के अलग अलग हिस्सों में हाहाकार मचा है। मैदानी इलाकों में नदियां तबाही का सबब बन चुकी हैं, तो वहीं पहाड़ों में बादल फटने और भूस्खलन से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर असम तक कुदरत का रौद्र रूप जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। किस तरह जिंदगी मलबे में दबी जा रही है, किस तरह लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो रहे हैं। पानी के प्रहार पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश से टूटने लगे पहाड़, OMG, भाई साहब। मैदानी इलाकों पर पानी का प्रहार, जल व्यू में फंसा आधा हिंदुस्तान। राजधानी दिल्ली में दिन में अंधेरा हो गया, सड़कों पर लोगों को गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ गई। अचानक बादल इस कदर बरसने लगे कि जगह जगह जल जमा हो गया। असम में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान मार रही, गांव के गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आता है, सब कुछ सैलाब में समाता जा रहा है। बिहार की 9 नदियां काल बनकर बह रही हैं। नदी किनारे बसे गांव बर्बादी की बाढ़ से जूझ रहे हैं। लोगों की जिंदगी नावों के सहारे टिकी है। मकान सैलाब में समाने लगे। लगभग आधे हिंदुस्तान का हाल एक जैसा है। कोरोना के बीच भारत में कुदरत कहर बरपा रही। मैदानी इलाकों का हाल तो इतना बुरा है कि लाखों की आबादी अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। शहरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। गांवों में जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। मानसून की मार झेल रहे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको जल समाधि ले चुके शहरों की खौफनाक तस्वीरें दिखाएं, पहाड़ तोड़ बारिश से लोग क्यों पनाह मांग रहे हैं ये देखिए। बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में जिंदगी दोजख बन गई। बादल फटने से लोगों की जान जा रही है, तो नदी नालों में बढ़ता पानी तबाही की पटकथा लिख रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। तो इस बीच दुश्वारियों का दौर भी बना हुआ है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ दरकने लगा। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर आ गया। ऐसा लगा मानो आसमान से पत्थर बरस रहे हैं। चमोली के पापल कोटी में पहाड़ का एक हिस्सा नेशनल हाईवे 7 पर आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई, तो डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर ढहते पहाड़ का नजारा देखते और वीडियो बनाते नजर। चमोली में चट्टान गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया, जिससे लोग सड़क पर फंस गए। लेकिन इसी बीच देवदूत बनकर आए SDRF और NDRF के जवान, जिन्होंने रस्सियों के सहारे यहां फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। देखिए किस तरह भूस्खलन में फंसे लोगों को एक एक कर निकाला जा रहा है।
पिथौरागढ़ में भी कुदरत ने जमकर तांडव मचाया है। आलम यह है कि यहाँ के एक गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पिथौरागढ़ के इस गैला गांव में 3 मकान मलबे की भेंट चढ़ गए। वहीं तांगा गांव में 5 घर पूरी तरह पत्थर और मिट्टी में दब गए। यहाँ 11 लोग मलबे में दबे हैं, जिनके बचे होने की संभावना ना के बराबर है। बारिश के तांडव ने इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल डाला है। यहाँ तक पहुँच पाने में दिक्कत हो रही है। इलाके को जोड़ने वाले सभी रास्ते पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। किसी तरह SDRF की टीम वहां तक पहुंची, जिसने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया, लेकिन PRO को लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। इसलिए क्योंकि सड़क से मलबा हटाने के लिए PRO के पास एक खुदाई करने वाली मशीन तक नहीं। मटकोट के इस इलाके में प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया है। इसी इलाके में तांगा आता है। तांगा में 11 लोग मलबे में दफन हो चुके हैं, जबकि गैला में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके का नज़ारा किस तरीके से पूरा का पूरा भूगोल बदला हुआ है। थल मुंशारी मोटर मार्ग ये है, लेकिन पूरा के पूरे मोटर मार्ग का नामो निशान तक यहाँ कहीं नहीं है। भारी बारिश के कारण कई गाँव में बादल फटने के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिस कारण अभी कल रात दो गाँव में एक टांगा लोधी ग्राम सभा में भारी तबाही हो चुकी है। पिथौरागढ़ के बंगा पानी तहसील में जैसे मौत की बारिश हो रही। 3 दर्जन से ज्यादा गांव पहाड़ तोड़ बारिश से त्राहिमाम कर रहे हैं। जीवन दायिनी कही जाने वाली गोरी नदी का तेज बहाव बरसात में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। आलम यह है कि सिर्फ 1 हफ्ते में यहाँ 2 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि बीते 10 सालों में इन इलाकों में करीब 150 से ज्यादा लोग आसमानी आफत में जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं। बावजूद इसके प्रशासन अभी तक कोई ठोस प्लान तैयार नहीं कर पाया है। जौलजीबी मुंशारी मोटर मार्ग मटकोट से ठीक तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बंद है। BRO की ये सड़क है। हालांकि PWD का JCB इसको खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं भारी मलबा इस सड़क में आया हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। एक तरीके से इस रोड में पूरी तरीके से आवाजाही फिलहाल बंद है। प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उनका विस्थापन किया जाए, और साथ में जो रोड की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिप का काम चलता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिप की कोई एक मशीन नहीं है, जिस कारण राहत कार्यों में बाधा पहुँच रही है। कोई वो ही नहीं है, चलने लायक ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सेलेटिंग हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, मकान के इधर उधर पूरा ध्वस्त हो गए कई घर। तो मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा जिलों के लिए अगले 72 घंटों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन पहाड़ी इलाकों, खासकर उत्तराखंड के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। बादल, बारिश और भूस्खलन लोगों के लिए आफत का सबब बन सकते हैं, लिहाजा सावधानी ही बचाव का जरिया है, और प्रशासन की मुस्तैदी मुश्किल घड़ी में लोगों के काम आ सकती है। पहाड़ों का हाल आपने देखा, लेकिन मैदानी इलाकों का हाल भी कम बुरा नहीं है। यहाँ भी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक सब कुछ जलमग्न होता जा रहा है। बिहार की 9 नदियां उफरा रही हैं, जिसकी वजह से 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया, जबकि असम के 33 में से 30 जिले जल समाधि ले चुके हैं। यहाँ 70 लाख से ज्यादा लोगों पर कुदरत कयामत ढा रही है। जंगली जानवर से लेकर इंसान तक अपनी जान की खैर मना रहे हैं। देखते ही देखते इमारत दरिया में समा गई। सैलाब पूरे के पूरे गांव को लील गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली बन गई है आशियान। बिहार से असम और मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सब कुछ पानी पानी हुआ जा रहा है। राज्य बदलते हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती। हर जगह सैलाब ने डेरा जमा लिया है।
कहीं गांव टापू में तब्दील हो गए हैं तो कहीं शहरों में जल जमाव से जिंदगी थम सी गई है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है, जिंदगी अब नाव के सहारे हो चली। सबसे पहले देखिए कैसे बिहार में लोग जल क्रोध का सामना कर रहे हैं। बिहार में भारी बारिश के बीच जल जमाव और बाढ़ से स्थिति गंभीर होती जा रही है। उत्तर बिहार में बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। उधर नेपाल में बादल मूसलाधार बरस रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार की नदियां उफान पर हैं। बिहार की सरकार ने राज्य के 6 जिलों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। अब जरा पश्चिमी चंपारण के इस गाँव का हाल देखिए। गंडक नदी का पानी यहाँ लोगों के घरों में घुस आया है। कमर तक पानी में डूब कर लोग आ जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि घर से निकले तो समझो गए पानी में। लिहाजा लोगों ने सैलाब से बचने के लिए अपनी गृहस्थी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लाद दी है और उसी पर बैठकर बेबस निगाहों से प्रलय की तस्वीरें देख रहे हैं। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होता जा रहा है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक गाँव के, जो वाल्मीकि नगर में गांव है रामपुरवा, उस गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे गांव में तेजी से पानी प्रवेश कर रहा है और जलस्तर बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। सड़क पर गांव में हर तरफ पानी पानी पहुंच चुका है और लोग परेशान हैं। सामान है सर, सब दह जाएगा, इसीलिए रुके हैं। तो सामान से ज्यादा आपका जीवन है ना? हाँ, वो तो है ही है, निकल जाएंगे इसमें से। शाम तक रहते हैं यहाँ पर, शाम को बाद में निकल के गाँव में चले जाएंगे। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बिहार के 6 जिलों पर सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। गोपालगंज, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को अलर्ट कर दिया गया है। निचले स्थान पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। भारी बारिश से गंडक नदी उफान पर है और बगहा के इस ठाड़ी गांव में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में लोग अब घर खाली कर धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर घरों में कमर से ज़्यादा पानी चला गया है, तो वहीं मुख्य जो सड़क है गांव का, उस पर 3 फीट से ज़्यादा पानी बह रहा है, जिसके बाद लोग अब घर खाली कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पहले गाँव के लोग इस स्कूल में अपना सामान लेकर पहुँचे थे, लेकिन पानी जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हालात और भी बिगड़ने के आसार हैं। पानी बढ़ रहा है, लोग घर से अपना सामान खाली कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे गांव में ले जा रहे हैं, ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। काफी डर है कि यहाँ घर कहीं बह ना जाए पानी में। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी फिलहाल कहर बरपा रही है। गंगा अलग अलग इलाकों में कटाव कर रही है, तो भागलपुर में एक आंगनबाड़ी केंद्र देखते ही देखते गंगा में समा गया। चंद सेकंड में आंगनबाड़ी केंद्र की इमारत गंगा में विलीन हो गई। गंगा के कभी बढ़ते और कभी घटते जलस्तर के कारण कई इलाकों में कटाव हो रहा है, जिससे कई घर भी इसी तरह जल समाधि ले चुके हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी अब शहरों में दाखिल हो गया है। यहाँ जल जमाव से लोग परेशान हैं, घरों में रखा सामान तैर रहा है, घुटनों से ऊपर तक पानी है, तो लोग हैरान परेशान। परेशानी हो रही है, इतना पानी आ गया है कि बच्चा को लेकर रहने में बहुत दिक्कत आ रही है। कब से है पानी? 3 दिन से है। खाना उना बनाने के लिए, सोने के लिए, सबसे बड़ी तो बच्चा के दिक्कत है। अभी देख रहे हैं बच्चा के तो इतना दिक्कत है, बाहर जाने में, बाथरूम वगैरह जाने में बहुत प्रॉब्लम है, देखिए रहे हैं। बिहार के दरभंगा से आई ये तस्वीर देखिए। बाढ़ के पानी के बीच जुगाड़ की नाव से एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। दर्द से कराहती गर्भवती महिला की हालत बिगड़ते देख गांव के युवकों ने ट्यूब की नाव बनाई और उस पर लकड़ी डालकर उसे बिठाया, फिर किसी तरह इस नाव को ठेलते हुए अस्पताल लाए। ट्यूब पर हमको बैठा के लो बउआ, बहुत मुसीबत से लो, बहुत पानी लगा हुआ। डॉक्टर यहाँ इलाज, पानी एकदम आंगने तक में पानी पहुँचा बउआ। डॉक्टर यहाँ इलाज उलाज किए हैं? कहाँ इलाज कर दो, अब देख ले कल की 1.5 महीना के बाद से बच्चा होगा। वैसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि असम और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में सैलाब आफत का सबब बना हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखी। असम की बात करें तो यहां के 30 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। सैलाब ने 70 लाख लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है, जिससे जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश में भी नदी नाले उफन रहे हैं और लोग
खतरों के खिलाड़ी बनने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जबकि मंगलवार को दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी इकट्ठा होने की वजह से जैम लग गया। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के उत्तरी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है।